हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सुजुकी वाली राइड वाला वीडियो डाला, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। एंड जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सुजुकी की राइड वाला वीडियो देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने। आज फाइनली टाइम मिला है मुझे अनबॉक्सिंग करने का अपने नए हेलमेट की, जो हम सिटी में यूज़ करने वाले हैं। स्टड्स का हेलमेट है एंड स्टड्स की तरफ से ही आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये रहा बॉक्स एंड आज पहली बार हमारे पास ये कटर है जिससे हम अनबॉक्सिंग करेंगे, वरना RS 200 या Duke 390 की चाबी होती थी, उसी से अनबॉक्सिंग करी है अभी तक। बट मैं सोच रहा हूँ एक बढ़िया सा कोल्हापुरी चक्कू ले लूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए, जिससे थोड़ा सा फील भी आना चाहिए अनबॉक्सिंग का। तो शुरू करते हैं। तो एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ूंगा, दूसरे हाथ से अनबॉक्सिंग करूँगा। शुरू करते हैं। बॉक्स को हम लोगों ने ओपन कर दिया और ऐसा काटा है, मैं दिखाता हूं आपको। ये यहाँ पे DTDC का बिल था, बिल भी आधा हो गया। मुझे लगता है थोड़ा और जोर लगा देते तो हेलमेट भी आधा हो जाता। तो इसको खोल लेते हैं अब जल्दी से। एंड एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसको अनबॉक्स कर सकें, ऑल दो इतना अंदर से मन था मेरा कि जल्दी से मैं हेलमेट देखूँ, बिकॉज मैंने थोड़ा ड्यूक को ध्यान में रख के मंगाया है ये वाला सिटी में चलने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत सा दिख रहा है ऊपर से फिलहाल अभी। तो आप रेडी हो आप लोग उद्घाटन करें हेलमेट का? ओहो, बड़ा सेक्सी लग रहा है यार देखने में हेलमेट। मतलब मैंने नहीं सोचा था इतना सेक्सी लगेगा, ड्यूक पे तो काफी सूट करने वाला है, इसलिए मैंने ये व्हाइटिश ग्रे टाइप ऑरेंज के साथ कॉम्बिनेशन वाला हेलमेट मंगाया है। डेफिनेटली स्टड्स काफी अच्छे हेलमेट बनाती है, मतलब हल्के भी रहते हैं और सेफ भी रहते हैं, बिकॉज हर टाइम आप उतने बल्की हेलमेट लगा के बाइक नहीं चला सकते। सिटी में आपको वैसे भी आराम से चलना होता है। प्लस एक और हेलमेट दिखा देता हूँ जो मैं डेली यूज में पहनता हूँ, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं उनको तो पता ही होगा। एंड तो ये रहा स्टड्स थंडर। ये एक्चुअली पहले वाला थंडर है, ये मैंने RS को सोच के मंगाया था सिटी राइडिंग के लिए, तो इसलिए इसकी थीम रेड के साथ है। एंड ये हमारे पास नया वाला थंडर भी आ चुका है। तो ये है नया वाला थंडर एंड पहले से काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है अब, और ग्राफिक्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। तो जिसको ये परचेज करना है अमेजोन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। एंड बाकी अभी बाहर चलते हैं, इसके शॉट्स लेते हैं थोड़े अच्छे अच्छे हेलमेट के, जो वीडियो की स्टार्टिंग में शायद आप देख चुके हो या देखोगे। तो चलो निकलते हैं और बातें बाइक पर करेंगे। चक्कू की बात कर रहे थे तब तक मम्मी आई और मम्मी ने ये चक्कू दिखाया। चक्कू है मेरे पास एक्चुअली, रामपुरी कोल्हापुरी जो भी कहते हैं इसको। ये देखो थोड़ा सा रिस्टोर करने वाला है, लेकिन चक्कू खतरनाक है, तो इससे अपन बॉक्सिंग हुआ करेगी। एंड एक चीज़ भूल गया, हेलमेट की जो आगे वाली फिल्म होती है वो उतारनी है कैमरे के सामने, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत अच्छी लगती है। तो बाकी यहाँ प्राइस लिखा है 1795 एंड आई एम श्योर इतने का या इससे कम का ही आपको मिल जाएगा ये अमेजोन पे। बाकी जो भी प्राइसिंग होगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। एंड मेरी तरफ से मैं बता दूं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इस हेलमेट को ऑलरेडी, तो सिटी के लिए एकदम निश्चिंत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी पैडिंग भी बहुत अच्छी है, कुशनिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। तभी मैं स्टील बर्ड से स्टड्स पे शिफ्ट हो गया हूँ, मतलब सिटी राइडिंग के लिए, बिकॉज स्टड्स के हेलमेट डेफिनेटली बेटर होते हैं बिल्ड क्वालिटी में, पैडिंग में, सारी चीज़ों में। तो पन्नी हटाते हैं। ये चमकता हुआ शीशा। एंड बाय द वे, इसका ये वाला जो वाइजर है ये अंडर 300-280 रुपीस का मिलता है, टिंटेड सेम, तो बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं, आप बदला सकते हो इसको इजीली। तो आप फाइनली इस बार निकलते हैं, चलो चले। तो आपने अब तक ड्रोन शॉट देख लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, एंड हेलमेट में एक बार इसमें कैमरे में भी दिखा देता हूँ अपने DSLR में कि कैसा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है एक्चुअली, Duke 390 के लिए स्पेशली मंगाया है, बट Duke 390 10-15 दिनों से खड़ी हुई है, बिकॉज उसके ब्रेम्बो वाले ब्रेक शूज़ नहीं आए अभी। तो बाकी इसका डिज़ाइन आप देख लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में।
एंड ऑलरेडी मैं स्टड्स थंडर यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि हेलमेट वर्थ है इस प्राइस पॉइंट पे। मुझे लगता है 1600-1700 रुपीज़ में आपको इतना सही हेलमेट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, कुशनिंग बहुत अच्छी है, एंड दूसरी चीज़ सेफ़ भी है। अगर आप सिटी के अंदर राइड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस ब्लॉग को ये फिनिश करते हैं। जिसको परचेज़ करना है, लिंक दे रखा है अमेज़ॉन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, फॉलो कर लेना। बिकॉज यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी अभी हम लोगों ने पाइपलाइन के ऊपर चढ़ के। एंड बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।